टेस्ला अपने कस्टमर्स की नीड को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, ताकि टेस्ला कस्टमर्स को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार की एसेसरीज के लिए टेस्ला के अलावा किसी और ब्रांड पर डिपेंड ना रहना पड़े। इसलिए टेस्ला अपने फैंस के लिए उनके फेवरेट टॉय से डायरेक्टली रिलेटेड या फिर इस तरह के यूनिक एसेसरीज डेवलप करती है। बट लास्ट ईयर दिसंबर में टेस्ला CEO इलॉन मस्क ने एक अमेजिंग एसेसरी को टेस्ला फैंस के सामने रिवील किया, जिसके बारे में सुनते ही टेस्ला फैंस इस प्रोडक्ट के मार्केट में आने का काफ़ी एक्साइटमेंट से वेट कर रहे हैं। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक साइकिल कॉल्ड मॉडल बी। बट बिफोर दैट, यदि आपको टेस्ला से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो ऐसी ही वीडियोस का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमारे प्लेनेट का फ्यूचर हैं, बिकॉज ऐसी गाड़ियां क्वाइट होने के साथ साथ पॉल्यूशन फ्री बनाई गई हैं। बस इनकी प्राइसिंग और मेंटेनेंस नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट इसका सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं बल्कि कंज्यूमर्स खुद हैं। बिकॉज जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ऐसी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मार्केट में इजीली एंड अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसी गाड़ियां फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों से ज़्यादा रिलायबल एंड बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ काफ़ी स्टाइलिश बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला कार्स, जो इन सभी कैटेगरीज में सबसे अच्छा ऑप्शन कंसीडर की जाती है, जिसका रीज़न है इनकी लॉन्ग रेंज एंड बेटर परफॉर्मेंस। बट उनका क्या जो इस तरह की फोर व्हील इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपने छोटे काम करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, बट उन्हें अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट चाहिए। मे बी एक इलेक्ट्रिक साइकिल या वाई नॉट। काफ़ी लोगों के लिए इस तरह की कार एक छोटी सी राइड पर जाने के लिए मोर देन नेसेसरी होती है। एंड ऐसे ऑप्शंस के ना होते हुए हमारी कंट्री जैसे अदर डेवलपिंग कंट्रीज में पार्किंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड ऐसी नीड्स को फुलफिल करने के लिए टेस्ला ने परफेक्ट प्रोडक्ट रेडी किया है, टेस्ला ई साइकिल। अगेन, टेस्ला भले ही बेस्ट इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए फेमस हो, जो मे बी ऑलवेज जस्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करती रहे, बट अभी भी कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जिसकी इंपॉर्टेंस टेस्ला को अदर मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स को देखकर समझ आ रहा है, जिसमें से इस तरह का प्रोडक्ट इज वन ऑफ देम। साइकिल चलाने के अच्छे बेनिफिट्स और ओल्ड मेमोरीज को हमने ओल्ड मूवीज में देखा है कि पहले लोग अपनी जर्नी को इंजॉय करने के लिए इस तरह के सिंपल ट्रांसपोर्टेशन यूज करते थे, बट नाउ सभी चीज़ों की तरह ही इस ओल्ड बट गोल्ड प्रोडक्ट को भी मॉडिफाई करने का समय आ गया है। देखने से इस सिंपल प्रोडक्ट का मॉडर्न वर्जन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रिक बाइक से काफ़ी मिलता है, जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज कर सकता है। बट अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वालों ने साइकिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी इंक्लूड किया है, मीनिंग इलेक्ट्रिक साइकिल को यूज़ करने वालों को अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के लिए इस साइकिल के पैडल को यूज़ करना होगा। बस फ़र्क इतना है कि इस इलेक्ट्रिक साइकिल के पैडल को यूज़ करने के लिए पहले जितनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी नहीं पड़ती। एंड टेस्ला ऐसे ही प्रोडक्ट को फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके और भी मॉडर्न बनाना चाहती है। बट टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अब ऐसे छोटे प्रोडक्ट पर फोकस क्यों कर रही है? वेल, द आंसर इज प्लैनेट अर्थ पर मौजूद ऐसी चीज़ों को इलेक्ट्रिक चीज़ों से रिप्लेस करना जो इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी पॉल्यूशन रिलीज ना करें। बट साइकिल तो ऑलरेडी किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, देन वाई इलेक्ट्रिक साइकिल? वेल, इलॉन मस्क एक सिंपल आइडिया पर बिलीव करते हैं, विच इज़ अपने काम को इफेक्टिवली और कम से कम बजट में करना, चाहे उसे करने के लिए किसी गैजेट की हेल्प क्यों ना लेनी पड़े। एंड इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का प्लान बनाया है, बिकॉज ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक साइकिल किसी भी तरह की कार, इवन इलेक्ट्रिक कार के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तो है। बट टेस्ला अपने कस्टमर्स को किसी न किसी तरह के एसेसरीज बनाकर टेस्ला के फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड बनाए रखना चाहती है, जैसे कि टेस्ला क्वाड बाइक या फिर टेस्ला पावर बैंक, इवन टेस्ला ई साइकिल एंड मैनी मोर। बट टेस्ला इलेक्ट्रिक साइकिल दिखने में कैसी होगी? वेल, फर्स्ट रूमर्स के अकॉर्डिंग टेस्ला अपने इस प्रोडक्ट को मॉडल बी का नाम देना चाहती है। एंड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ला साइकिल का डिज़ाइन काफ़ी हद तक साइबर ट्रक से इंस्पायर्ड होगा। एंड टेस्ला कार्स के बेस मॉडल्स की तरह ही टेस्ला साइकिल भी वाइट कलर में मैन्युफैक्चर की जाएगी। बट अगेन, रूमर्स के अकॉर्डिंग टेस्ला मॉडल बी के रिवील होने के बाद सून इनफ मॉडल बी को सिल्वर एंड इवन रेड कलर में भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बट वन थिंग इज श्योर कि टेस्ला अदर साइकिल मेकर्स की तरह नहीं बल्कि अपनी साइकिल में इस तरह के केबल को पूरी तरह से हाइड करने के आइडिया पर फोकस करेगी,
सो दैट टेस्ला मॉडल बी को कम्प्लीटली केबल मैनेजमेंट की मदद से डिज़ाइन किया जा सके। ऑल्सो मॉडल बी का एक और यूनिक फीचर है टेस्ला साइकिल का हैंडल। नॉर्मली साइकिल चलाने वाले साइकिल को टर्न करने के लिए अपने हैंडल को डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट टेस्ला साइकिल में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो टेस्ला साइकिल को यूजर्स किसी टर्न आने पर किस तरह टर्न करेंगे? वेल, काफ़ी हद तक इस तरह से, जैसे बाइक रेसिंग में रेसर्स अपनी बाइक को कम्प्लीटली एक तरह से झुकाकर अपनी बाइक को टर्न करते हैं। काफ़ी स्ट्रेंज आइडिया है, राइट? कॉन्सेप्ट आइडिया के अकॉर्डिंग टेस्ला साइकिल को टर्न करने के लिए यूजर्स को अपने साइकिल के हैंडल बार पर प्रेशर लगाकर साइकिल को टर्न करना होगा, अदरवाइज मॉडल बी को ओनली स्ट्रेट रोड पर ही लेकर जाना। टेस्ला ने अपनी साइकिल के लिए ओल्ड स्टाइल के हैंडल बार को पूरी तरह से रीइन्वेंट किया है। सो जो लोग टेस्ला साइकिल चलाना चाहते हैं उन्हें फिर से साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट इस तरह की साइकिल। अदर फीचर्स ऑफ मॉडल बी, काफ़ी लोगों ने इस तरह का यूनिक फ़ैन इंटरनेट पर देखा होगा, जिसे कहते तो फ़ैन है बट इसमें किसी तरह का ब्लेड नहीं होता, बट इसमें से हवा आती है, आई प्रोमिस। टेस्ला भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट को अपनी साइकिल में यूज़ करना चाहती है। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग टेस्ला अपनी साइकिल में इस तरह के टायर्स को यूज़ करेगी, जिसमें इस तरह के एम्प्टी टायर्स होंगे। आपका क्या ओपिनियन है ऐसे टायर्स के बारे में? सो नाउ टर्न आती है टेस्ला साइकिल में दी गई डिस्प्ले के बारे में। मॉडल बी में इस तरह की डिस्प्ले हैंडल बार में सेंटर में लगाई जाएगी, जहां से यूजर्स को अपने साइकिल की डिटेल्स जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल, बैटरी लेवल, GPS जैसी इंफॉर्मेशन शो होंगी। वेरी सिमिलर टू टेस्ला ई बाइक, बट अभी तक का बेस्ट रूमर इस टेस्ला साइकिल को और भी यूनिक बना देता है, वो है ऑटो पायलट। जस्ट इमेजिन ऑटो पायलट एक साइकिल में। ऑटो पायलट मीन्स कार या फिर इन दिस केस साइकिल के हैंडल को बिना पकड़े राइड करना, बट साइकिल का हैंडल बिना पकड़े राइड करना मोस्टली सभी लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, एंड ऑल्सो हम सभी इस टेक्नोलॉजी के लिए ऑलरेडी काफ़ी नूबी हैं। इसलिए टेस्ला ने भले ही इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनी कार में प्रोवाइड की है, बट स्टिल ऑटो पायलट को ऑन करने के बाद भी टेस्ला कार्स के यूजर्स को अपना हाथ स्टेयरिंग व्हील पर रखना पड़ता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ड्राइवर अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सके। सो मे बी टेस्ला इसी कॉन्सेप्ट को अपनी साइकिल में भी प्रोवाइड करना चाहती थी, सो दैट मॉडल बी यूजर्स अपनी जर्नी को ऑटो पायलट और सेफ्टी के साथ इंजॉय कर सकें। लेकिन यदि टेस्ला सच में इन सभी टैग को इस तरह के छोटे से प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली अपनी कैटेगरी में बेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। सो लेट्स सी टेस्ला का ये न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब रियल बनता है, बट आई एम श्योर कि टेस्ला इस कॉन्सेप्ट को भी रियलिटी में चेंज जरूर करेगी, बिकॉज इलॉन मस्क इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी एक इंटरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है ऐसे टेस्ला के प्रोडक्ट के बारे में? ऑलराइट, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक एंड वीडियो सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम।